Now the topic is digestive system malfunction. We also called it disorders of digestive system are some common problems of digestive system. सबसे पहले हम अल्सर के बारे में पढ़ेंगे कि अल्सर हमारे पास क्या चीज़ है और ये किस वजह से काज होता है और इसका प्रिवेंशन क्या है एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एट्सेट्रा. जी तो अल्सर हमारे पास जो है, जब हमारे पास ज़्यादा मिकदार में लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो रिलीज होते हैं स्टमक में, तो हम द डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं वाल्स ऑफ स्टमक के एंड इंटेस्टाइन के वाल्स को भी, जिसके वजह से जो है इंटेस्टाइन के वाल्स यानी ड्यूजनम में एंड स्टमक में जो है हमारे पास सोर बन जाता है और वो स्टमक को जो है डैमेज करता है, मतलब स्टमक को ख़राब करता है और ड्यूजनम को भी. एंड बेसिकली इस सोर को हम जो है अल्सर कहते हैं. स्टमक में जो अल्सर होता है उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर्स कहते हैं, जबकि ड्यूडिनम में जो अल्सर होता है उसको हम ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं. अब इसके काजेस क्या है, किस वजह से ये काज होता है. बेसिक काज जो इसका है वो हमारे पास जो है एच पायलोरी बैक्टीरिया की वजह से जो है ये काज होता है. एंड जो लोग सिगरेट यानी स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल्स को यूज़ करते हैं, स्ट्रेस और ड्रग्स की वजह से भी जो है ये काज होता है. ठीक है, इफ़ समवन फील बर्निंग पेन इन एब्डोमेन बिटवीन मील्स एंड अर्ली मॉर्निंग देन ही और शी नीड टू अवॉइडिंग स्पाइसी फूड्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड टी एंड टेकिंग मेडिसन्स. It also use H2 blockers, drugs that block release of histamine. जी ये था हमारे पास जो है अल्सर के बारे में. एंड नेक्स्ट वन वी विल स्टडी अबाउट डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड जॉइंटस.